तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे नए वीडियो में। मार्वल ने अपने बैटमैन का सॉरी मून नाइट का फर्स्ट एपिसोड रिलीज कर दिया है, जिसको देखने के बाद मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, भाई साहब क्या बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको मून नाइट की फर्स्ट एपिसोड की हल्की सी स्टोरी बता देता हूँ, जिसमें हमें स्टीव को दिखाया गया है जो कि सोते टाइम अपने पैरों को हथकड़ियों से बांध के सोता है और अपने बेड के आसपास सैंड बिछा के सोता है, क्योंकि उसको लगता है वो रात में नींद में चलता है। फिर वो सुबह उठ के अपने काम पे चले जाता है, जहाँ पर वो अपने बॉस की गालियाँ खाता है फिर से लेट आने पे, और दिन भर काम करके वो रात को फिर से घर चले जाता है। और वो कोशिश करता है कि हर रात वो सो ना पाए, इसके लिए वो पजल और बुक्स पढ़ता है। पर उसी रात वो सो जाता है और अगले दिन कई अलग ही जगह पे उठता है, और उठते से ही उसके पीछे कुछ लोग गन लेके पीछे पड़ जाते हैं। और वहाँ पर हमें इस शो के मेन विलन की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि है आर्थर। और आर्थर स्टीव से अपनी कुछ चीज़ मांगता है, जो कि एक बटन के शेप में है, और स्टीव उसको देने से मना कर देता है। और उसके बाद मारामारी चालू, जिसमें हमें खून खराबा तो दिखाया नहीं गया है, पर जैसे स्टीव ने उन लोगों को मारा है उससे पता चलता है मून नाइट की ये सीरीज 13+ की रेटिंग की बॉर्डर तक जाएगी, जिसका मतलब है खून खराबा तो दिखाया जाएगा पर अपनी मर्यादा में रह के। और इसके बाद थोड़ा सा हमें और एक्शन दिखाया जाता है, और यहाँ पर स्टीव की आंखें खुल जाती है और स्टीव को लगता है कि वो सब ये सपना देख रहा था। और उठने के बाद वो फिर से अपने काम पे चले जाता है, और वहाँ पर उसको आर्थर दिखता है और उसको पता चलता है कि ये सब सपना नहीं था, ये सब जो भी हुआ है हकीकत में हुआ है। और आर्थर उससे बात करता है और उसको बोलता है मेरी चीज़ वापस कर दो, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब स्टीव अपने काम पे ओवर टाइम कर रहा है, कुत्ते जैसा दिखने वाला क्रिएचर आ जाता है जो कि स्टीव को मारने की कोशिश करता है। और इसी सीन में हमारे शो के मेन हीरो की एंट्री होती है, जो कि है मून नाइट, जिसकी एंट्री देख के मेरे हाथों पे गूस बम्स आ गए। और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मार्वल ने इसमें हमें थोड़ा हॉरर कॉमेडी और थोड़ा इजिप्शियन फीलिंग देने की कोशिश की है, जिसको देखते हुए मुझे एक ही पिक्चर की याद आई, जो कि थी द मम्मी। और बस इतना ही था इस एपिसोड में, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।